वेल डन संजू सैमसन, क्या बैटिंग की आपने। जब जयसवाल आउट हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद राजस्थान रॉयल्स जो है प्रेशर में आ जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि उनके पास ना बटलर थे ना ही स्टोक्स थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद जो थी राजस्थान रॉयल्स जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में अब आ जाएगी तो ये इतना ज़्यादा रन नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर जो बैटिंग की है स्टीवन स्मिथ और संजू सैमसन ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। जैसे कि हम शुरू से कह रहे थे कि IPL के जो मैचेस हम जो दुबई में खेले जा रहे हैं इधर हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने तो 10 ओवर में 115-120 रन कर दिए थे। मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया संजू सैमसन ने, और ये बंदा वाकई डिजर्व करता है कि इसे कंसिस्टेंट चांस दिया जाए इंडियन टीम में। इसे इंडियन टीम में चांस दिया जाता है लेकिन कंसिस्टेंट चांस नहीं दिया जाता, यही एक दो मैच खिलाया जाता है फिर इसे बिठा दिया जाता है। ये बंदा ऐसा बैट्समैन है, बिग पावर हिटर है, बड़ी बड़ी लंबी शॉट इसने लगाई है, बिल्कुल ग्राउंड छोटा था लेकिन फिर भी उसने लंबे लंबे छक्के लगाए हैं। और क्या उसने पटाई की है पीयूष चावला की, पीयूष चावला को 2 ओवरों में 40-something रन पड़े हैं। और पीयूष चावला की अगर बात की जाए तो IPL का काफ़ी ज़्यादा अच्छा बाजार है और कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है IPL। पहले वो KKR में होता था, अब CSK में आ गया, तो बिग सल्यूट मैं तो कहता हूँ कि संजू सैमसन को देना चाहिए। जिस तरह की उसने बैटिंग कर दिया ना, आज उसने बता दिया कि मुझे इंडियन टीम में लेना चाहिए और मैं वाकई डिजर्व करता हूँ इंडियन टीम में लेने के लिए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं और IPL में उसने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया है और अपनी टीम को काफ़ी ज़्यादा मैचेज जितवाए अपनी परफॉर्मेंस से, तो मैं तो आज उसकी बैटिंग देख के समझे उसका फ़ैन हो गया हूँ। क्योंकि मैं तो जसवाल के लिए सिर्फ मैच देख रहा था, लेकिन जब जसवाल आउट हुआ तो दिल थोड़ा मायूस हो गया था, लेकिन जो फिर बैटिंग किया आगे संजू सैमसन ने, मैं कहता हूँ क्या बात है यार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप।